सागर जिले के बीना थाना क्षेत्र अंतर्गत भीम वार्ड में देर रात युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। कई घरों में तोड़फोड़ कर आदिवासी युवक के साथ मारपीट की गई। बस्ती के निवासियों का कहना है कि रात में शिकायत के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। जानकारी के मुताबिक रात में हथियारबंद बदमाशों ने इस युवक के घर पहुंचकर तोड़फोड़ की और मारपीट की। दरवाजे पर खड़ी बाइक को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया गया। हमारे संग खड़े थे सो 30 जने आए, हम डोल लगाई सो उन्हें पकड़ के हम बहुत मारे, हमने बैठ गए के हमें लगो और हथियार भी थे उनके पास। मैंने ऊपर से देखा, मेरे बगल में छोटा भाई रहता है, मेरे सामने एक बड़ा पत्थर रखा था, उस पत्थर को उठा के दरवाजे पे मारा, वो दरवाजा क्रैक हो गया। उसके बाद मेरी अकेले की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि हथियार थे उनके पास में। आगे बढ़े, आगे श्यामलाल एमपी पुलिस में है और वो खुरई में तैनात है, उसके घर पे वो लातों मारी दरवाजों पे और वो पत्थर मारा, वो मीटर में गेटी मारी। हम लोग बचाने को बढ़ रहे, लाइट काट दी, मीटर तोड़ दिया। अब मैं अभी तक इतने समय हो गया, मैं पानी नहीं मिले पीने को, लाइट नहीं है, पानी कहाँ मिलेगा, और दरवाजे तोड़ रहे बार में। और रात के 12 बजे आए तो बहुत से लोग हमारे घर के दरवाजों में मारे डंडे और इसमें मीटरों में डंडे सबके यहाँ मारे हैं घर घर। बाढ़ में जब ये उत्पात हो रहा था तब स्थानीय लोगों ने पुलिस को भी बुलाया, लेकिन पुलिस काफी देर बाद पहुंची। वहीं युवकों ने एएसआई के घर को भी निशाना बनाया और तोड़फोड़ कर दी। हालांकि बस्ती में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हो गई। घटना से नाराज लोगों का कहना है कि रात में सूचना के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। इसके बाद बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष चौकी पहुंचे, गिरफ्तारी के साथ साथ कार्यवाही की मांग की। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीओपी प्रशांत सुमन और थाना प्रभारी भरत सिंह ठाकुर सीआईएसएफ जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और अब कार्यवाही की बात कर रहे हैं। भीमबाड़ में रात में लाठी डंडों से लैस होकर कुछ लड़कों द्वारा कुछ घरों में तोड़फोड़ की गई है, जिस पर कि उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और अभी 3 लोगों को आइडेंटिफाई करके राउंड अप कर लिया है और सभी के ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 17 नवंबर को होना है मतदान, मतदाताओं को करना है अपने हिस्से का योगदान। छतरपुर जिला प्रशासन मतदाताओं से अपील कर रहा है कि छतरपुर में मतदान को 100% बनाने के लिए सभी लोग आगे आएं। इसी सिलसिले में छतरपुर निर्वाचन अधिकारी के द्वारा छतरपुर में एक भव्य वोटर म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 14 नवंबर को छतरपुर के पंडित बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में आयोजित होगा वोटर म्यूजिक फेस्टिवल। इस आयोजन में हिस्सा लेकर मतदाता संगीत समारोह का आनंद उठाएं, साथ ही 17 नवंबर को मतदान करना ना भूलें। जनहित में जारी जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर।